सीबीएसई धोरण 10 અને 12 ના પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવે તે ત્યારે વિવિધ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। સુરત શહેરની પીપલોદ વિસ્તારમાં આવેલ મહેશ્વરી વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થી ધોરણ 12 સાયન્સ પ્રવાહમાં સિટી ટોપર બન્યો છે। આજે ધોરણ 10 અને 12 ના પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવે તે સુરત શહેરના પીપલોદ વિસ્તારમાં આવેલ મહેશ્વરી વિદ્યાપીઠ શાળાનો વિદ્યાર્થી અમૃતાંશ સિન્હાએ 98.6% હાંસલ કરીને સુરત શહેરમાં પ્રથમ ક્રમાંક આવ્યો છે। સાથે ધોરણ 12 ના સામાન્ય પ્રવાહમાં પ્રવીત રાઠી 98.2% મેળવી શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યો છે। મહેશ્વરી વિદ્યાપીઠે શાળાનું પરિણામ 100% આવ્યું છે। હર હંમેશાની જેમ વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ વિષયોમાંથી 100 માંથી 100 અંક પ્રાપ્ત કર્યા છે। 6 વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય પ્રવાહમાં અને 3 વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સ પ્રવાહમાં સુરત શહેરના ટોપ 10 ની લિસ્ટમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યો છે। મેં સારિકા સિંઘ, પ્રિન્સિપલ SBR મહેશ્વરી વિદ્યાપીઠ। हमारा स्कूल 25 साल पुराना स्कूल है और कंसिस्टेंटली पहले बैच से 100% रिजल्ट दे रहा है और इस बार हमारे बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने प्रूव किया है कि परसिस्टेंस, डेडिकेशन, हार्डवर्क हमेशा आपको सक्सेस ही दिलाएगा लाइफ में। हमारे स्कूल के बच्चे 12th साइंस, 12th कॉमर्स दोनों में सिटी टॉपर्स हैं जो हमने अभी तक डेटा कलेक्ट किया है। 12th साइंस में 98.6% हाईएस्ट है अमृतांश सिन्हा, 12th कॉमर्स में 98.2% है प्रवित राठी और 10th स्टैंडर्ड में हाईएस्ट परसेंटेज है नमन खत्री 97.4। कॉमर्स स्ट्रीम में और साइंस स्ट्रीम में मिलाकर 100 on 100 15 बच्चों ने लिया अलग अलग सब्जेक्ट्स में और 10th स्टैंडर्ड में 7 बच्चों ने 100 on 100 लिया है। और अगर मैं सिटी रैंकिंग की बात करूं जो कैलकुलेशन हमने किया है विद मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स तो 12th कॉमर्स में टॉप 10 में अमंग द सिटी 6 बच्चे हैं, 12th साइंस में 3 बच्चे हैं और 10th स्टैंडर्ड में 5 बच्चे हैं जिन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। और मैं बहुत खुश हूँ, बच्चों की परफॉर्मेंस है और इसका पूरा क्रेडिट हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, उनके पेरेंट्स, हमारा मैनेजमेंट जो हमें सपोर्ट करता है, सभी का कंबाइन एफर्ट है। ये टीम एफर्ट था जिसकी वजह से आज हम इतना खुश हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम अमृतांश सिन्हा है और मैं SBR महेश्वरी विद्यापीठ स्कूल से हूँ और मेरे साइंस स्ट्रीम में मैथ्स के साथ 98.6% आए हैं। स्कूल के साथ क्योंकि मैंने अपनी तैयारी की है इसलिए बोर्ड्स के लिए मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी आसान हो गया स्कूल की वजह से, तो स्कूल से काफ़ी फ़ायदा रहता है। उस और मेहनत तो करनी ही पड़ती है बोर्ड्स के लिए भी और क्योंकि मैंने रेगुलर स्कूलिंग की है JEE के लिए भी तो उसका एक अलग फ़ायदा हुआ कि मुझे बोर्ड्स में दिक्कत नहीं हुई है। क्रेडिट बिल्कुल मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम को जाता है और तैयारी कोई डिस्ट्रैक्शन तो मेरी एज सच है नहीं क्योंकि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करता। मेरा नाम प्रवित राठी है, मैं 98.2 स्कोर किया है कॉमर्स मैथ्स में और इट फील्स लाइक आई हैव अचीव समथिंग, आई हैव गिवन हैप्पीनेस टू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स। They have helped me a lot in my studies. My teachers have helped me a lot. Like I can't say it. डिस्ट्रैक्शन तो रहते हैं सोशल मीडिया बहुत सारे, पर अगर आप थोड़ा डेडिकेटेड हो और कंसिस्टेंट हो अगर पढ़ने में, अगर आप दिन का भी 2 या 3 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो स्कूल के अलावा तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी टाइम अगर आप कुछ और स्पोर्ट्स या कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। आगे अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में SRCC के लिए ट्राई करूँगा, उसके बाद BBA या BCom ऑनर्स का कोर्स करके MBA। मैं निधि अग्रवाल, मैं SBR महेश्वरी विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ। मैं कॉमर्स विद मैथ्स लिया है मैंने और मेरा 97.6% आए हैं और क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, एनकरेज किया है। जनरली अगर आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो दिन के और कंसिस्टेंट रहते हो तो फिर अच्छे से रिजल्ट आ ही जाता है। और बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे ऐसे रिजल्ट्स लाने के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या थी रिजल्ट्स
एक्सपेक्ट तो 95% ही किए थे, लेकिन अच्छे आ गए तो मेहनत की है इस वजह से। आई एम नमन खत्री फ्रॉम महेश्वरी विद्यापीठ स्कूल, आई गॉट 97.4%। The entire credit goes to the team of Maheshwari Vidyapeeth School and my parents and the teachers who worked hard to make me understand the topics well. What are the plans? I want to pursue engineering and I am currently preparing for that.